अच्छा, तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और आज बहुत काम की चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का, कि कुंडलिनी मिलानी चाहिए, हमारी वैदिक परंपरा है। आज मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ कि साइंटिफिक हमें किस पर्सन से शादी करनी चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है, वो क्या कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, अगर गलती से दूसरे ब्लड ग्रुप में शादी हो जाती है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के प्रेग्नेंट होती है लड़कियां और लेकिन बच्चा नहीं टिकता, उसके पीछे बहुत रीजन होते हैं। ये ब्लड ग्रुप का सबसे बड़ा रीजन है और आप सभी लोग अभी आधी से ज्यादा क्लास अनमेरिड है, तो आप आगे इस चीज का ध्यान रखना कि जिस अपने पार्टनर को सिलेक्ट करो तो जरूर ये ब्लड ग्रुप आप जरूर चेक करना, उसके साइंस से आज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सब चीजें, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज मैं आपको खोल के बताऊँ। फैमिली प्लानिंग चल रही है सर। हाँ, फैमिली प्लान्स आप सभी लोगों की चल रही होगी, मुझे पता है आधे लोग तो हैं कुछ लोगों की शादी, लेकिन 60-70% हमारे क्लास में है जो अनमेरिड है, तो उन लोगों के लिए लेक्चर बहुत यूजफुल जाने वाला है। तो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सभी को? थैंक जी राहुल जी, यू जी। तो मैं डायरेक्ट पहले मेल का पढ़ा देता हूँ, फीमेल का हमने कल पढ़ लिया था। समय बचा तो मैम फीमेल का जो रिवाइज है मैं आपको करा दूंगा, समय बचेगा। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन संस्थान कि दो व्यक्तियों के मिलने से, हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। जब दोनों का इंटरकोर्स होता है तब एक चाइल्ड की उत्पत्ति होती है, और वो जो बच्चा का निर्माण हो रहा है और उसके में जो जो ऑर्गेन्स मेल के और फीमेल के जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना रोल्स उसमें डाल रहे हैं, जो जो हार्मोन, जो मसल्स उसके अंदर इफेक्ट डाल रही है, उन चीजों की स्टडी करना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम फीमेल को हमने कल पढ़ा था, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नीचे का सर्विक्स, इसके तीन मसल्स होती है, ईपी मेजर और एंडो और पेरी। एंडो जो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें दो टेस्टिस होते हैं, राहुल जी वॉइस ब्रेक हो रही है। वेसिकल्स होती है अंदर अपने सिक्रेशन डालती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और इसके अलावा मेरी बात कर रही है क्या? हेलो, जी हाँ भैया, ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुको। बाकी वॉइस ये लोग बीच सुन में पा रहे ना हो क्या मेरे वॉइस को? ब्रेक हो सर रही है तो अभी सुन रहे हैं, ये रिपीट आवाज कर तो दीजिए बस। सबकी हो रही है ना। जी भैया हाँ अभी ठीक है, ऐसा वॉइस ब्रेक हुआ था। अभी साउंड ठीक है ना? ओके हाँ थैंक यू हाँ भैया जी। अब अभी ठीक ठीक है। ठीक है कि मेल्स के, क्योंकि स्पर्म यानी कि शुक्राणु, अभी भी कट रही है क्या? ठीक नहीं नहीं भैया है, ठीक है, तो ठीक है राहुल जी, इस ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ हाँ जी हेलो, ओके जी, थैंक यू। राहुल जी ठीक है, जी तो ठीक है। मेल्स में जो, ठीक है, मेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके जो चीजें हैं, वो सबसे जो मेन है टेस्टिस है, जहां से जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में, और टेस्टिस दो होते हैं,
इनकी वन पेयर इसको बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस होती है, ये वो नली होती है जहां से ये आगे बढ़ता है, और यहाँ पे आने के बाद में इसमें एक ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स मेनली होती है, सिमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड एक इसमें दिया नहीं है उसका नाम है ये रहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको इसका एक नाम और मिलेगा आगे हम पढ़ते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो अपने सीक्रेशन इसके अंदर डालती है, और जो बाहर से यहाँ से बाहर निकलता है यहीं से यूरिन निकलेगा, और यहीं से जो स्पर्म है वो सीमिन से होता हुआ निकलेगा, यानी कि जो फ्लो होगा उसको हम खाली स्पर्म नहीं कहेंगे, उस पूरे फ्लो को हम सीमन कहेंगे। उसके अंदर क्योंकि स्पर्म भी है, इन ग्लैंड्स के एंजाइम्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं उसके अंदर, इसीलिए उस पूरे फ्लो को हम सीमन कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि मान लेते हैं कि ये गंगा नदी निकल के आई, ठीक है, ये गंगा नदी है, ये हिमालय से निकली, अब इसमें यहाँ से एक नाला मिल गया, एक नाले का पानी भी इसमें मिल गया, अब यहाँ से दूसरे से आई तो यहाँ से यमुना नदी भी इसमें मिल गई, ठीक है। अब जो यहाँ पे अब जो फाइनल जो यहाँ पे बनी ये खाली गंगा नदी नहीं है, ये इसको हम खाली गंगा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें यमुना नदी भी मिल चुकी है, और नाला भी मिल चुका है, और प्योर गंगा भी मिल चुकी है, तो ये शुद्ध गंगा नहीं है, तो यानी कि ये मिक्स रूप हो गया यमुना का, नाला का और गंगा का। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो टेस्टिस का मेन जो फ्लूड था उसमें तीन ग्लैंड्स के अलग अलग सीक्रेशन मिल चुके हैं, इसीलिए यहाँ से जो सीक्रेशन बाहर निकलेगा उसको हम सीमन कहते हैं, सीमन कहते हैं कि उसमें बाकी भी सीक्रेशन हैं, ठीक है, आगे हम इसको देख लेंगे अच्छे से। सीमन तो हमारे सिलेबस में नेमिंग आती है, क्वेश्चंस आएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के निम्न में से ऑर्गन्स नहीं है, तो आप ये वो ये जो उनसे हैं वो याद होंगे, तो आपको इजीली आप जो उनसे नहीं है वो आप बता दोगे, या ज्यादातर हमारे पेपर में सिलेबस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर कहाँ से बन सकता है, स्ट्रक्चर बनेगा कि देखो स्पर्म यहाँ से निकला, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में वास्ट डिफरेंस आएगी, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में सिमाइनल वेसिकल आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में वो ट्यूब आएगी उसको इजेक्टेड ये इजेकुलेटरी डक्ट इसको बोलते हैं, इसके बाद में क्या आएगा, जब डक्ट मिल जाएगी तो आगे प्रोस्टेट जो ग्लैंड इसमें मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में क्या आएगा, दूसरी ग्लैंड मिलेगी, इसको बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा से फिर वो जो सीमन है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके का सीक्वेंस हमारे पेपर में पूछी जा सकती है। अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बार बार कौन माइक खोल रहा है अपना। मेल गोनाड्स मतलब कि मेल के जो जनन अंग से हैं उनको क्या है, मेन टेस्टिस हैं, और जो एक पेयर होते हैं, जैसे फीमेल में ओवरीज होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, और इन्हीं के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। एसेसरी ग्लैंड्स मेनली तीन को लिया जाता है, सिमाइनल वेसिकल्स, ये आपको यहाँ पे कलर में दिखा दी गई है, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है सिमाइनल वेसिकल्स, ये अपना सीक्रेशन इसके अंदर मिला देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट की आपने प्रॉब्लम सुना होगा ना, बूढ़े लोगों को ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो ये ग्लैंड ना बढ़ जाती है, यानी कि अपना इसका सामान्य आकार से इसका आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो यूरिन का जो ट्रैक है दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जिससे यूरिन यूरिन ब्लैडर में तो यूरिन है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है कि यूरिन चाहकर भी वो लोग निकाल नहीं पाते, तो ये प्रोस्टेट कैंसर उसे कहते, ज्यादातर बूढ़े लोगों को ये आमतौर पर समस्या होती है, मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो जो थर्ड जो ग्लैंड है उसको कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बल्बो, यू आएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहते हैं।
तो ये तीन ग्लैंड हो गई है, तीनों ग्लैंड की सीक्वेंस भी आप देख लीजिए। सबसे पहले सिमाइनल है, फिर उसके बाद में प्रोस्टेट है, उसके बाद में बल्बो यूरेथ्र ग्लैंड है, और उसके बाद में यूरेथ्रा से होता हुआ जो सीमन है, मतलब कि जो मिक्स रूप है वो बाहर निकल आता है। ये देखो दिखाया हुआ है सीमन, अभी बताया ना सीमन यानी कि वो गंगा नदी जो वहां से शुद्ध गंगा नदी निकली थी, उसमें नाला भी मिल गया है, उसमें यमुना नदी भी मिल गया है, और भी कई चीजें उसमें मिल चुकी है जो बाद में जो बिहार पहुंची वो गंगा नदी, वो शुद्ध गंगा नदी नहीं है, उसमें और भी कई चीजों का मिला जुला रूप है। तो ऐसे ही जो फ्लूड जो बना हुआ है, मिला जुला जो रूप है, उसको हम सीमन कहते हैं। हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन सीमन ही इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि वीर्य, इसमें क्या वीर्य होता है, सर, हिंदी में की वीर्य, इसी को कहते हैं वीर्य। ओके जी, इसी को वीर्य कहते हैं हम सामान्य भाषा में, शुक्र। हाँ, शुक्र और वीर्य इसको कहते हैं। हम योग में भी यूज करते हैं ना, वीर्य का संरक्षण होना, ब्रह्मचर्य, वो इन्हीं चीजों का बचाव ही ब्रह्मचर्य है सामान्य तौर पे। स्पर्म, स्पर्म इसके अंदर होता है, यानी कि टेस्टाइज का जो फ्लूड होता है वो उसको, उसमें मेनली स्पर्म होता है, इसके अलावा कुछ और भी होती है चीजें। सिमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड यानी कि बल्ब यूरेथ्र ग्लैंड, इन चारों चीजों का सिक्रेशन इसमें होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सिमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन कौन सा होता है, और बल्बो यूरेथ्र ग्लैंड का सिक्रेशन। अब इनको पढ़ते हैं और ये क्यों जरूरी है। देखिए अगर मैं डायग्राम से बताऊं आपको, मान लेते हैं ये टेस्टिस है, और यहाँ पे मान लिया ये इस टाइप का, ये मैंने गोल बना दिया, वैसे तो इसका आकार इस तरीके से होता है, टेल की तरह होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल स्पर्म है और ये जाकर के ओवरी में जाएगा, वहां पे जो ट्यूब है हमारे जो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में, और एग के साथ में मिलेगा, वहां पे फर्टिलाइज होएगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए इसको एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने से ही लगाएं, अगर मुझे हरियाणा से मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कुछ खाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, कुछ लिक्विड भी लूंगा, अगर मैं कुछ एनर्जी नहीं लूंगा तो मैं तो ऐसे बेहोश हो जाऊंगा भैया इतने दूर के रास्ते में। इसी प्रकार जो ये स्पर्म होता है, इसको वहां तक ट्रेवल करना है यूट्रस तक जाने के लिए, तो इसको एनर्जी चाहिए। और रास्ते में जो बाधाएं आएंगी, बाधाएं क्या आएंगी इसके रास्ते में, कि एसिडिक मीडियम आएगा, जैसे कि सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम तो हमारे मेल के अंदर ही है और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में भी है। अब देखिए यूरिन में यूरिक एसिड होता है, तो सामान्य रूप से जो ये यूरेथ्रा है ये एसिडिक मीडियम की होगी, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली यूरिन का फ्लो होता रहता है, स्पर्म तो कभी कभी महीने दो महीने में, साल में कभी निकलता है, लेकिन यूरिन तो डेली सिक्रेशन होता है। तो यानी कि यूरेथ्रा का जो सामान्य रूप से जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम की होगी। तो अगर ये स्पर्म डायरेक्ट ही सीधा आ जाए यहाँ पे, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, एसिड इसको यहीं पे खत्म कर देगा, तो ये आगे क्या जाएगा और क्या फिर रिप्रोडक्शन होगा। और दूसरे तौर पे मान भी ले कि यहाँ से बाहर निकल गया स्पर्म, दूसरा जो हम उसको पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पे ये जो वेंजाइना है यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम का फ्लो होता है, यहाँ का जो फ्लो है वो चिपचिपा जो द्रव्य होता है वो इसको रोक देगा, जाने नहीं देगा आगे। तो यानी कि इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये जो एसेसरी जो सिक्रेशंस होते हैं, जो ग्लैंड्स, इनके सिक्रेशंस काम आएंगे, जो हमारी सिमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनका सिक्रेशंस इसको सहायता देगा ताकि ये जो स्पर्म है आसानी से ओवम तक पहुंच सके, उस एग तक पहुंच सके जो यूट्रस के अंदर ऊपर फेलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है। ठीक है, समझ आया होगा कि एसेसरी क्यों जरूरी है। मेन चीज तो स्पर्म ही है, यही रिप्रोडक्ट करेगा, और जो आजकल जो शायद ट्यूब वाले होते हैं ना बेबी की, पेरेंट्स का स्पर्म, जो पिता का स्पर्म ले लेते हैं डायरेक्टली माता के यूट्रस में चढ़ा देते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें तो हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि उसमें बीच का रास्ता तो खत्म हो गया ना, यूरेथ्रा का रास्ता और वेंजाइना का रास्ता तो नहीं है, उसमें तो डायरेक्टली स्पर्म से काम भी चल जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे तो इस
रास्ते से इसको जाना पड़ेगा और उस रास्ते में आने वाले रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, और उन रुकावटों को दूर करने के लिए जो एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं सिक्रेशन में क्या क्या चीज होंगी। अच्छा ये बाद में पढ़ाता हूँ, पहले हम सिक्रेशन पढ़ लेते हैं। आगे आगे पीछे लिख दिया। हाँ ये रहा, मैंने आगे पीछे स्लाइड में डाल दिया इसको। सिमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन ये रहा, देखिए जो ऊपर वाले ग्लैंड है जो येलो कलर के यहाँ पे दिख रही है ना, सिमाइनल वेसिकल्स, इसका जो सिक्रेशन है, देखिए इसका जो सिक्रेशन में क्या चीज होती है, म्यूकस होता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, चिपचिपा, जिससे कि वो एब्जॉर्ब ना हो। अगर चिपचिपाहट रहेगी तो वो चीज जो लेयर्स उसको एब्जॉर्ब कम कर पाएंगे। फ्रक्टोस, फ्रक्टोस क्या होता है, एक शुगर है ये, और इससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। जैसे कि मुझे अगर 2 किलोमीटर भागना है तो मैं ग्लूकोज लूंगा या कुछ खाने की चीज लूंगा जिससे मेरी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज फ्लो करेगा, मेरे सेल्स को ग्लूकोज मिलेगी और जिससे मैं इजिली दौड़ लगा लूंगा। इसी प्रकार स्पर्म को भी एनर्जी चाहिए, स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो फ्रक्टोस होगा, और फ्रक्टोस कहाँ से मिलेगा, सिमाइनल वेसिकल से मिलेगा। और इसके अलावा प्रोस्टेग्लैंडिन, यानी कि ये जो चीज होती है, और ये एक हार्मोन्स है, यानी कि अभी मैंने बताया ना जो यहाँ पे जो ये रहा, यहाँ का जो सीक्रेशन होता है जो यहाँ पे इसको रोकेगा, कोई चीज जल्दी से अंदर जा नहीं सकती है तो उसको पतला करने के लिए ये जो अभी ग्लैंड हमने बताया उस सीक्रेशन का रोल होता है ये इसका प्रोस्टेग्लैंडिन का। इसका जो काम होता है जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसको पतला कर देगा ताकि जो स्पर्म है वो इजिली अंदर चला जाए। तो ये भी यानी कि स्पर्म की सहायता कर रहा है अपने टारगेट तक जाने के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, मिल्की फ्लूड, मतलब कि जो आपने देखा अनुभव किया होगा, बाद में तो देखा ही होगा कि एक व्हाइट कलर का फ्लूड निकलता है, और जो कॉमनली जो बीमारी जो श्वसन दोष की जो शिकायत होती है उसमें तो आमतौर पे सामान नहीं है, और जो यानी कि जो उसका जो सीमन का जो व्हाइट कलर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट होता है और एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जिसका काम होता है इसका इसको कलर प्रोवाइड कराना। सिट्रेट का काम है एनर्जी देना, और दूसरे का काम है, इन दोनों का काम इससे इसका कलर व्हाइट हो जाता है। और दूसरा जैसे कि प्रोस्टेग्लैंडिन ने किया था कि वेंजाइना का जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस को पतला करने का काम था, इनकी जो रुकावट थी उसको हटाने का काम था, ठीक इसका भी लगभग उसी तरीके का काम है कि जो अंदर का जो चिपचिपाहट है उसको हटा देगा और रास्ता खुल जाएगा और ताकि स्पर्म अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क हो गया। अब तीसरी ग्लैंड बच गई है कॉपर्स ग्लैंड्स, या जिसको इसको हमने दूसरा नाम बोला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसका जो सीक्रेशन होता है ये प्रोवाइड कराएगा एल्केलाइन, सीक्रेट एल्केलाइन क्लियर म्यूकस। एल्केलाइन को बोलते हैं क्षारीय, मतलब कि कड़वापन, क्षारीय। अभी बताया था ना कि यूरिन के अंदर यूरिक एसिड भी होता है सामान्य तौर पे, कि यूरिन ब्लैडर है यहाँ से, क्योंकि ट्रैक तो दोनों का एक ही है, यूरेथ्रा के अंदर डेली का यूरिन जा रहा है 1.5 से 2 लीटर, तो इसका सामान्य तौर से जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम की होगी। अगर स्पर्म बिना एल्केलाइन मीडियम का आया तो ये तो ऐसे ही स्पर्म यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसका काम ये होता है, देखो ये यहाँ पे एंड में होती है, यहाँ पे अब मैसेज मिल गया कि स्पर्म आ रहा है, ऊपर का फ्लो आ रहा है, तो पहले से सीक्रेशन होगा, और यहाँ का सीक्रेशन पहले ही जो इस रस्ते को जो एसिडिक मीडियम था इसको एल्केलाइन मीडियम का बना देगी ताकि स्पर्म का नुकसान ना हो। और उसके अलावा
जो जो बाकी का जो फ्लूड है उसको भी स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम का बना देगी। क्यों? क्योंकि जो हमने बात पढ़ाया था अभी, ये रहा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में वेंजाइना और सर्विक्स का पार्ट है, ये भी स्लाइटली एसिडिक मीडियम का होता है। एसिडिक मीडियम का क्यों होता है? क्योंकि अगर ये एसिडिक मीडियम का नहीं होएगा तो यहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए नेचुरली एसिडिक मीडियम का होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, ये स्पर्म में एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के जरिए, जिससे ये मीडियम बदल जाता है और आसानी से जो स्पर्म है अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, और टारगेट तक पहुंच जाएगा उसके बाद में वो राइट टाइम भी होना चाहिए। कल हमने पढ़ा था कि ओविलेशन का टाइम जो 14वें दिन होता है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, कि जिस टाइम से आपके पीरियड्स शुरू हुए हैं उसका जो 14वां दिन है, अगर उस समय इंटरकोज होता है, उस समय शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं प्रेगनेंसी की। तो जब ये सभी स्थितियां को एक जगह पे सूट करेंगी तब जाके प्रेगनेंसी होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, सिक्रेशन को पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं, छूट गया, इसको पढ़ते हैं। ये रहा स्क्रोटम। स्क्रोटम का बहुत एक, देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि मेल्स के अंदर ये जो टेस्टिस है बाहर क्यों होते हैं? पशुओं में भी आपने देखा होगा ना, जैसे कि बैल होता है, मैं एक बैल बना देता हूँ, ठीक है, ये बैल है, ठीक है, ये बैल बन गया। इसके भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो टेस्टिस अलग से रेड कलर का नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, इसको टेस्टिस बोलते हैं, इसी में तो स्पर्म बनता है। इसी प्रकार मेल्स में भी ये बाहर क्यों होता है, जबकि फीमेल में तो सब चीजें अंदर होती हैं, मेल्स का बाहर क्यों होता है? इसका रीजन ये है, देखिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य रूप से नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये अंदर हुआ, बॉडी के बाहर ना आया, अंदर हुआ, तो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इसके ऊपर भी आएगा 37 डिग्री, और 37 डिग्री के अंदर जो स्पर्म है वो जीवित नहीं रह सकता, वो अपने पैदा नहीं हो सकता, वो नहीं बढ़ सकता, तो उसको 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिज होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का है, और कैविटी के बाहर आ गया तो टेम्परेचर नेचुरली कम हो जाएगा, और नेचुरली टेम्परेचर कम होने से, और हमें कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसीलिए टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के अंदर बाहर होते हैं और फीमेल में ओवरी अंदर होती है। और इसके अलावा अब इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा, सर्दी का, गर्मी का, ठीक है, ये तो सामान्य रूप से हमने मान लिया 35। अब गर्मी में बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, सामान्य रूप से पढ़ना चाहिए। और सर्दी, बाहर का सर्दी का इन्वायरमेंट है तो टेस्टिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा तो 35 से कम या ज्यादा हुआ तो स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो मसल्स होती है इसको स्क्रोटम बोलते हैं। देखिए टेस्टिस ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं अंदर आपको, इनको टेस्टिस कहते हैं। अच्छा, ये तो कैंसर की फोटो दे रखी है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कैंसर की फोटो है, तो आप इसको देखिए, ये रहा, ठीक है, ये अंदर टेस्टिस की फोटो है, ये टेस्टिस अंदर होते हैं, बाहर देखो एक मसल्स है इसके चारों तरफ, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम, बाहर की जो मसल्स हैं। अब ये क्या करेगी? सर्दी में बाहर का जो टेम्परेचर है काफी कम हो चुका है, इन्वायरमेंट का वो आ गया है 5 डिग्री 10 डिग्री, बाहर बहुत धुंध पड़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत लो हो गया है, और स्पर्म को बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेगी? बाहर का इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना पड़े तो जो स्क्रोटम मसल्स होती है टाइट हो जाती हैं। तो बॉयज ने नोटिस भी किया होगा, सर्दियों के अंदर जो ये मसल्स होती है टाइट हो जाती है,
जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो एज इट इज जो 35 डिग्री जो टेम्परेचर जो है वो एज इट इज रहता है। और ठीक इसका उल्टा गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, 40 पे चला गया, 45 पे चला जाता है, तो क्या होगा उस समय जो स्क्रोटम की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और ढीले पड़ जाते हैं ये, यानी कि सर्दी में तो टाइट हो जाते हैं और गर्मी में ढीले पड़ जाते हैं, नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो ये स्क्रोटम मसल्स ऑटोमेटिक वर्क करती है, देखती है इन्वायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से अपने आप ये एडजस्ट करती है, और इसकी वजह से ही जो हमारे टेस्टिस को राइट टेम्परेचर मिलता है, टेस्टिस को राइट टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो आसानी से होगा, इजिली होगा। स्पर्म अगर इजिली बनेंगे तो ऑटोमेटिक ही इंटरकोर्स के दौरान में स्पर्म और जो ओवम है उसका मिलन होगा और बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, समझ आया इतना आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गहरा ले लिया, इतना गहरा आता नहीं है ये तो मैं, लेकिन हल्का हल्का बता देता हूँ आपको। देखिए टेस्टिस के हम अंदर की स्टडी कर रहे हैं, टेस्टिस जिसको हम सामान्य रूप से इसको हम गोलाकार कंचे भी बोलते हैं सामान्य रूप से, और दूसरा मैं बता देता हूँ फीमेल्स के लिए, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है मेल्स का, और जूडो कराटो में भी सिखाया जाता है लड़कियों को, अगर कोई लड़का उनको छेड़ रहा है या फिर कोई परेशान कर रहा है तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है मेल्स का, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है मेल्स को, बहुत ज्यादा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो लड़कियां हैं वो ध्यान रखिए, अगर आपको कभी इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पार्ट पे आप हिट करेंगे तो मेल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और आप उसका फायदा उठा करके आप उस जगह से जा सकती हैं, अपनी सेफ्टी कर सकती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती हैं, इसके अंदर कंपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, जैसे देखा ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज में मान लेते हैं कि 100 रूम कमरे बने हुए हैं कि सभी क्लासेस के लिए अलग अलग चैम्बर्स हैं, कि एक क्लास बी ए वहां पे बैठेगी, फर्स्ट ईयर वहां बैठेगी, सेकंड ईयर वहां बैठेगी, एमए वहां बैठेगी, संस्कृत के वहां बैठेगी, अलग अलग रूम्स है ना, इसी प्रकार इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250 होते हैं। देखिए दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पे तो कम ही दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखाए गए हैं यहाँ पे तो, लेकिन ये लगभग 250 होते हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर एक से लेकर के तीन जो होते हैं लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, और उनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहाँ, ये रहा दिख रहा है, ट्यूबलाई सेमिनिफेरल, यानी कि जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सेल्स होती हैं जिसको हम लिडल सेल्स कहते हैं। लिडल सेल्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, सामान्य रूप से ये क्वेश्चन तो कई बार आया है कि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव या बोलते हैं कि सेक्स हार्मोन कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो जो मेल्स का जो सेक्स हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, और फीमेल के दो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन हार्मोन। जो वहां पे तो हमने कल हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं, और यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिज के अंदर, क्योंकि हम टेस्टिज के अंदर के पार्ट पढ़ रहे हैं, टेस्टिज के अंदर लिडल सेल्स होती है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप, वास एफिरेंट इसको बाहर से पढ़िए आपके लिए आसानी रहेगी। हाँ ये रहा, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, इसके सीक्वेंस देखिए, बाहर का क्या है स्क्रोटस लेयर दी नहीं है यहाँ पे, आपने बाहर की पहले स्क्रोटस लेयर आ गई, उसके बाद में टेस्टिस आ गया, टेस्टिस के बाद में नली बाहर निकली है, इसको क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे, उसके बाद में सिमाइनल वेसिकल आ गया,
इसके बाद में ये दोनों नली एक साथ मिल जाती है, इजेकुलेटरी डक्ट इसको कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये यूरेथ्रा में मिल जाती है जो यूरिन ब्लैडर से निकली के आई है ट्यूब, और यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब आगे यहाँ पे सीक्रेशन बढ़ता है तो यहाँ पे कॉपर ग्लैंड भी इसमें मिल जाती है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा है। और इस तरीके से जो पूरा जो सीक्रेशन है, जो फ्लूड बना है, उसको हम सीमन कहते हैं, वो बाहर निकलता है। क्लियर हुआ होगा आप सभी को? ये हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का था, वहां पे छूट गया था बताना, तो आज लास्ट लेक्चर है, तो इसलिए मैंने आज इसी में इसको टॉपिक को ऐड कर दिया। तो आज आपको अच्छे से ब्लड ग्रुप के बारे में हम नॉलेज दे देंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? चार होते हैं, ए बी, ए ओ, बी एंड ओ। उससे पहले अब मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा, आप लोग मैसेज करें और सभी लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप टाइप करें। जैसे मेरा खुद का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ पूरा करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि उसके बाद तो ही मैं आपको बताऊंगा ना आपको शादी किस ब्लड ग्रुप के साथ करनी आपके लिए उचित रहेगी, वो आपका ही फायदा होएगा, जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। वेरी गुड लक्ष्मी मैम, आप नोट करते रहो, बाद में अपना सर्वे भी पूरा हो जाएगा कि जी ज्यादातर बच्चों का, ज्यादातर लोगों का कितना क्या ब्लड ग्रुप है। मैं भी टाइप कर देता हूँ, मेरा है ओ पॉजिटिव। ज्यादातर लोग आ रहे हैं ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ए बी का है क्या कोई? ठीक कह रही थी आप, ए बी तो कोई आ ही नहीं रहा। नीरज जी ए, कुंदन जी ए, किरण जी बी, मानसी जी ओ, स्वाति जी बी, मीनाक्षी जी ओ। वेरी गुड, ओ के ज्यादा। ए बी का है, जयसूरी जी हैं, एक ए बी की एक केस आया है। और ठीक है, बी एक्स, अच्छा पॉजिटिव हो गया, आपने एक्स गलती से लिख दिया। ए बी, रानी जी का भी ए बी है, दो केस आए हैं लक्ष्मी मैम ए बी के। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं कि चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव का मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आरएच फैक्टर की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। इससे पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ से आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। आप इसको ये नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे, अभी ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप छोड़ दो, ठीक है, और बाद में बताएंगे। पहले नीचे वाला सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ो आप, नहीं गड़बड़ में स्ट्रक्चर गलत है, रुको। 39 लोग हैं, 12-15 ही आए हैं इसमें, 15 से 16। 15 से 16 क्या है? तो लोगों ने रिप्लाई किया है तो कोई ऑलमोस्ट नहीं, लोग 40। हेजिटेट करते हैं, करना नहीं सॉरी, चाहिए भैया, मैं आपका टीचर हूँ। देखो मैं भी तो खुल के बता रहा हूँ ना आपको, हर चीज खोल के आप भी बताओ ना, तभी तो हमारा सर्वे ठीक जाएगा ना अच्छे से। इतना हेजिटेशन किस बात का करना आप लोगों को, बताओ। हो सकता है सर सबको ना पता हो आप अपना साइंस के ग्रुप स्टूडेंट कैसे हो? होगा। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पता भी नहीं हो सच्ची। ठीक है, साइंस में ना इन चीजों को पता है छोड़ दो आप सर को, सर, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको थेरेपी में आगे बढ़ना है ना, तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कल को आपको जेंट्स की, फीमेल्स की, इनको भी एनिमा देना पड़ सकता है। जब आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या आप उनकी थेरेपी करोगे? तो अपनी एजिटेशन को छोड़ो और अच्छे से स्टडी करो, ये ठीक है। रुको, सर मैंने दूसरा अपना पर्सनल बना रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। रुको, ठीक है, नया स्लाइड बन गया। अब इसमें मैं नए सिरे से आपको समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बनाने में। देखिए, एक ये हो गया है, एक ये बना दिया मैंने, तीन एंड चार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
एक होते हैं एंटीजन और एक होते हैं एंटीबॉडी। पहले हम एंटीजन को पढ़ते हैं कि देखिए ए का स्ट्रक्चर किस तरीके से, समझने के लिए ए के ऊपर देखिए ए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसका ऊपर वाली कैप ले लीजिए ये वाली, यानी कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है, जब हम डॉक्टर क्या करेगा आपके जो ब्लड को एक स्लाइड पे डाल देगा और उस पे माइक्रोस्कोप के जरिए आपके आरबीसी को ऑब्जर्व करेगा, रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स कॉनिकल शेप में होती है, अगर उसके ऊपर इस तरीके से कौन से बने हुए हैं तो डॉक्टर एकदम बोल देगा कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। उसके आरबीसी के ऊपर इस तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा बी में क्या होता है, बी में बी का आकार कैसा है, गोल है ना, इस तरीके से आप समझिए। तो इसके ऊपर इसकी जो आरबीसी होगी, जिस जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी है उन लोगों के आरबीसी के ऊपर इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको गोल गोल एंटीजन हम कहते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप के द्वारा आरबीसी को देखा जाता है तो आरबीसी के ऊपर इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर पाया गया तो डॉक्टर तुरंत बोल देगा कि आप बी, आपका जो ब्लड है बी ब्लड ग्रुप है आपका। ओ, ओ के अंदर कुछ नहीं होता, ये प्लेन होता है, इसके ऊपर ना तो कॉनिकल होता है, ये ओ हम इसको मान लेते हैं, इसको हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए बी दोनों का मिला जुला रूप है। जो ए की जो करेक्टरिस्टिक्स थी कॉनिकल शेप भी होगा और बी का जो गोलाकार था वो भी होगा, मतलब कि इसमें एक कॉनिकल, दूसरा गोला, तीसरा कॉनिकल, फिर सर्कुलर, फिर कॉनिकल, यानी कि ए और बी दोनों का मिला जुला रूप होगा। अगर ऐसा पाया डॉक्टर ने तो उसको हम कहेंगे इसका जो ब्लड ग्रुप है ए बी है। जो अभी रानी जी का आया था और जयसूरी जी का, दो लोगों का हमारे ग्रुप में ए बी अभी आया था। ओ के ऊपर कुछ नहीं होता, प्लेन होता ये, इसीलिए इसको डोनर भी कहते हैं, ठीक है, किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं चीज इफेक्ट डालने वाले जो आगे दूसरे के खून में जाके रुकावट डाले, समझे। देखिए ए बी और ए बी के ऊपर तो बाहर देखिए स्ट्रक्चर है, कॉनिकल है और सर्कुलर है, लेकिन ओ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, प्लेन होता है ये, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मैं बताता हूं आपको आर एच फैक्टर के बारे में। अब इसका नाम पढ़ा था, मंकी था एक, उसका नाम था रहीनिस था, है ना, रहीनिस। देखिए आर ई एच, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ई एन ई एस शायद, हाँ ये नाम था, ये बंदरों की प्रजाति है मंकी, ठीक है, ये एक मंकी थे और इस पे जो जिन्होंने रिसर्च किया था उस साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर और विनर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इस मंकी के खून को लिया और मंकी के खून को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तब इन्होंने अलग अलग ब्लड ग्रुप के बारे में 1940 में इन्होंने ये अपने रिसर्च में पाया कि इस तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और उसमें फिर इन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि कुछ, जैसे कि ये हमारा ये हो गया, हम ये ए को मान लेते हैं, इन्होंने पाया कि कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं डॉटेड बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि डॉटेड आप समझ लीजिए कि नॉर्मल ए बी ओ ये तो कॉमन है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ डॉट्स भी पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं आरबीसी जिनके ऊपर कुछ नहीं पाया जाता, यानी कि जिनके ऊपर इस तरीके के डॉट्स पाए जाते हैं उनको हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव, और जिनके ऊपर ऐसे कोई डॉट्स नहीं पाए जाते उसको हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव आर एच फैक्टर। तो अब मुझे
मुझे भावना चौधरी डीएसपी वाली बताएंगी, ये जो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले वाला है, इसको आप क्या कहोगे, ए पॉजिटिव कहोगे या ए नेगेटिव कहोगे? सर ए पॉजिटिव। अच्छा जी, दूसरी भावना चौधरी जी, अब आप मुझे हाँ बताएंगे जी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला ये कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है जी, अब मैं वेरी गुड, अब दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, अब इसमें मैंने अभी ये बना दी यहाँ पे। अब डीएसवी वाली बताएंगे मुझे, गलती समझ आई आपकी, क्या गलती थी? नो सर। नहीं समझ आया। भाना चौधरी जी आप बताइए, ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है? हाँ अभी ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसमें शेप भी है और डॉट्स भी हैं। जब डॉट्स होंगे तो वेरी गुड, पॉजिटिव होगा, जब डॉट्स नहीं होंगे तो नेगेटिव होगा। वेरी गुड, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये ए नेगेटिव है और इसमें डॉट्स हैं तो ये पॉजिटिव है। दूसरी भावना जी समझ आया आपको? ओके सर, मुझे लगा आप। ओके सर ठीक सॉरी। है, अब कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, समझ आ जाना चाहिए बस। अब इसमें डॉट्स हैं तो ये कौन सा है, बताओ आप ही बताओ भावना जी। सर अगर मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू ए, तो उस हिसाब से तो ये नेगेटिव है भी, अगर इसमें डॉट्स ऐड अभी जो होंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं स्ट्रक्चर की पूछ रहा हूँ, इसमें क्या है, बी बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव? सर, बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बोला आपने, रीजन क्या है? मतलब सर शायद इसमें आपने डॉट्स ऐड कर रखे हैं, मुझे हल्के हल्के वेरी दिखे। गुड, श्योर क्यों नहीं आपने आंसर में, मैं तो ऐसे उलझा रहा था। बी पॉजिटिव राइट आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है। देख रही थी कि डॉट्स अब हैं मुझे सर। प्रेरणा जी बताएंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है? प्रेरणा जी बताओ मुझे, भैया कौन सा वाला, ये ए बी वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जिस पे ए बी लिखा है भैया? ये जी, ए ए बी, बी लिखा है, ये भी नेगेटिव है भैया, नेगेटिव क्यों है ये भी बता दीजिए। क्योंकि इसमें वो जो ये रेसिस नाम का मंकी था जिसमें पॉजिटिव पाया गया था, थे निशान तो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, तो इसमें कोई निशान नहीं है तो वो नेगेटिव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं रश्मि जी से पूछता हूँ, रश्मि शर्मा जी, ये मैंने बना दिया है, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, अब बताइए ये क्या है, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव बताइए। ये डॉट्स दिखाए हुए हैं आपने। वेरी गुड, ये ओ पॉजिटिव है। अब समझ आया आपको पॉजिटिव नेगेटिव का क्या ये चक्कर होता है, क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाता है? अब मैं दूसरा बताता हूं, ये तो हो गया एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन है ये, वो एंटीजन फॉरेन मैटर नहीं है, ये एंटीजन प्रोटीन है ये, और इनके साथ साथ में एंटीबॉडी भी होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं लिया गया। सर ये डॉट क्या डिनोट करता है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ लोगों, आप पहले ना एंटीबॉडी को समझिए, मैंने एंटीजन को समझा दिया आपको, अब एंटीबॉडी को, जैसे कि ए है, रुको मैं एक स्लाइड बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ एंटीजन, ठीक है, ये ए एंटीजन है, ये एंटीजन होते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से हम शो करते हैं, समझ आया, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से, तभी तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी बने हैं, और जो एंटीबॉडी है मैंने जिसको ए टी से लिख दिया, एंटीबॉडी को हम शो करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, यहाँ पे नहीं दिया गया, आप यहीं पे समझिए, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से शो किया जाता है, और जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, जो हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था ना, वाई आकार की जो होती है एंटीबॉडी, वाई शेप की जो होती है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है और वहां पे तैरती रहती है, और जहां पे कोई वायरस कोई बैक्टीरिया ब्लड में आता है तो उसके ऊपर एक्शन करती है। अब
यहाँ पे आप इनको समझेंगे फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि किसको किसका खून देना चाहिए और किसका किसका खून नहीं देना चाहिए, और बाय चांस गलत खून चढ़ जाएगा तो उसका नुकसान क्या होता है। अब इस कंसेप्ट को आप यहां से समझना। तो एक स्लाइड और बनाता हूं। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे, देखिए ये हमारी होगी, एक मैंने एंटीबॉडी बना दिया, ठीक है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब इसमें देखिए यहाँ पे इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है, तो मैंने बताया था ना पहचान के लिए ए टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम ए बोलेंगे। अगर एक किसी एंटीबॉडी में अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा गोलाकार, गोलाकार कैसे बनेगा ऐसे, ये अगर ये गोलाकार इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा तो हम इसको कहेंगे बी। क्लियर, ए कौन सी है और बी कौन सी है। अब मुझे मीनाक्षी जी बताएंगी ये जो है ये ब्लड ग्रुप बनाया इसका क्या नाम है। सर ये ए है। पूरा बोलो पॉजिटिव नेगेटिव। सर ये ए नेगेटिव है। वेरी गुड, ये है ए नेगेटिव, इसको हम एंटीजन कहते हैं, और ये है एंटीबॉडी। एंटीजन ये आरबीसी के ऊपर है और एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में होती है, और एंटीबॉडी का मैंने काम बताया था ना कि ये क्या करते हैं एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि ऊपर की जो ये इनका ये स्ट्रक्चर होता है ना ये उनके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो देखिए तुम्हारे खून में है, फॉरेन मैटर तो है नहीं कि चेंज होएगा। तो सामान्य रूप से अब मुझे मीनाक्षी जी आप मुझे बताएंगी ए नेगेटिव वाला जो केस है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए कि जिससे हम जीवित रहें। सर ए नेगेटिव में ए सॉरी बी होना चाहिए आई थिंक सर, कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक, आपने आंसर ठीक दिया है, उसका रीजन आप बता सकते हो, मुझे तो पता है, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। सर इसलिए बी होना चाहिए क्योंकि ए ऑलरेडी है, दोनों है, दोनों ही ब्लड ग्रुप हमें चाहिए, मतलब दोनों ही चाहिए, इसलिए ए है तो बी हमें चाहिए। मतलब अगर मैं बताता हूँ इसका क्या मेन रीजन है, ये मैं बता रही हूँ सर एक सेकेंड। सर क्या होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है दोनों, ठीक है, जो एंटीजन है ए उस ए माइनस, ठीक है, अब उसमें हमें बी इसलिए चाहिए क्योंकि उसके लिए वो शेप जो है वो वैसा बनाएगा लेने के लिए, रिसेप्टर का काम करता है ना वो, तो इसलिए वो रिसेप्टर का काम करेगा, इसलिए वो दूसरा शेप लेगा। थोड़ा सा वो बोल दिया आपने, रिसेप्टर जो होगा ना वो बाहर के फॉरेन मैटर के लिए होती है, ये तो बॉडी का ही पार्ट है ना। देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लड ग्रुप है ए, और इसके अंदर ये वाली एंटीबॉडी है स्मॉल ए वाली, ये वाली एंटीबॉडी है, तो क्या होगा अब इसके ऊपर में ये है, अगर इसके ऊपर मान लेते हैं कि एंटीबॉडी का शेप ये हो गया ना, ये वाली शेप एंटीबॉडी की इस टाइप की, ये वाली शेप वाई स्टेप यहाँ पे आ गया ना, तो ये तो अपने ही एंटीजन को समाप्त कर देगी। अगर ए ए है, ए का जो कोनिकल शेप है, अगर उसमें ये स्मॉल ए वाली एंटीबॉडी होगी ये तो अपने ही खून को रोक देगी, फ्लो ही नहीं हो पाएगा, उसी को समाप्त कर देगी, इसीलिए ए वाली स्थिति में बी की एंटीबॉडी होगी। और जो बी का हमने शेप पढ़ा है, बी का शेप कौन सा होता है, गोलाकार, ये वाला जो बी है इसके अंदर एंटीबॉडी बताओ मुझे, कौन बताएगा, मोहित जी बताओ, बी एंटीबॉडी में हमें जीवित रहने के लिए कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, स्मॉल ए या स्मॉल बी वाली एंटीबॉडी। स्मॉल ए भैया। क्यों बी क्यों नहीं होना चाहिए, अगर बी होगी तो वो उसको ही नहीं खत्म कर देगी। वो अपनी इसकी मूवमेंट को रोक देगी, इसीलिए इसके अंदर अगर ये वाली एंटीबॉडी होगी
तो ये दोनों दूर दूर रहेंगे ना, और दोनों अपना अपना काम करेंगी। समझ आया कि दोनों में अपोजिट केस क्यों होता है? ए एंटीजन इस वाले केस में बी एंटीबॉडी होती है। अब आप यहाँ पे समझे, आपको यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो पहले बताइए, नहीं तो आगे का कुछ समझ नहीं आएगा आपको। क्लियर सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पिक्चर से बताता हूँ, ये पिक्चर गलत है इसकी, मैंने इसलिए बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये गोलाकार आएगा, इसने ट्रायंगल बना दिया, आप सुधार लें, कोई गूगल पे ना गलत फोटो हो जाती है, ये गोलाकार आएगा, ठीक है, इसको सुधार लें सभी। ये ना ट्रायंगल बना दिया ना, लेकिन इन्होंने कलर दे दिया, कलरिंग आइडिया ले सकते हैं, तो ये कौन करेगा? रुको, ये पिक्चर ठीक है, तो समझ में। अब मुझे बताओ ए बी एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? बताएगा ए बी में एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? सर दोनों होने चाहिए, एक एक के लिए। मीनाक्षी जी, अगर दोनों होंगी दोनों ही एबी को देंगे, तो फिर कोई एंटीबॉडी होंगी ही नहीं। एबी यूनिवर्सल डोनेटर माना, यूनिवर्सल रिसीवर माना जाता है। कोई नहीं होंगे में, अगर ए हुआ भी रोक देगी, बी हुआ वो भी इसको रोक देगी। एबी में होती नहीं है। अब ओ के अंदर हाँ, इसीलिए जो एबी वाले ग्रुप होते हैं ना उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। रानी जी का ए बी ग्रुप है, उनसे पूछ लेना, उनको बीमारी जल्दी होंगे जो इनका ए बी ब्लड ग्रुप है। हाँ, ज्यादा खराब होती है ए बी वालों की, क्योंकि एंटीबॉडी होती है नहीं उनमें ये वाली। अब ओ के अंदर यानी कि दोनों एंटीबॉडी होती हैं, होने तो इसके बाहर तो कुछ है नहीं, पकड़ेंगे किसको एंटीबॉडी? ये तो बोल है इसके अंदर, यानी कि ये वाली जो है ये मैंने बनाया। बताओ पहले कौन सी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया मैंने? ये छोटा ए। वेरी गुड, ये छोटा ए है और ये बड़ा ए का स्ट्रक्चर बनाया। समझ आया होगा? ये मैंने ऊपर शेप के आधार पे इसका नाम पड़ता है ये, ठीक है। कॉनिकल है तो स्मॉल ए, और ये गोलाकार भी। अब जिनो ब्लड ग्रुप ओ है उनके अंदर ये दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, इसीलिए ओ ओ ब्लड ग्रुप वाले इनके अंदर इनको बीमारियां कम होती हैं, या बीमारियां होती हैं तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ये रीजन है ओ वाले ज्यादा हेल्दी रहते हैं, और हमारे इंडिया में ज्यादातर ओ वाले केस होते हैं। लक्ष्मी मैम, हमारी क्लास में ओ के केस कितने थे कहिए? जी ओ में 12 लोग हैं सबसे मैक्सिमम, 12 लोग मिले। 12 और ए बी के दो केस थे ना? ए बी के दो थे, एक ने ओ के दो थे। ए बी कितने थे? सॉरी सर, मैंने और बी के सिंगल कितने थे केस बताऊं? ए पॉजिटिव के 5 मिले, बी पॉजिटिव के 10, ओ पॉजिटिव के 12, ओ नेगेटिव के 1 और ए बी के 2। आप थोड़ा सा मैसेज स्क्रॉल करेंगे ना, तो मैंने लिख दिया था सर, देखिए ऊपर सर, मतलब 12 प्लस 1 पॉजिटिव नेगेटिव को मिला तो देखिए क्या ना, ओ वाले केस ज्यादा है, खुद भी ओ पॉजिटिव है, इसीलिए अभी ब्रेक हो रही है, नेटवर्क तो दिखा रहे हैं। हेलो, हो रही है सर।
अभी सुन रहे हो सभी? हेलो, सुन पाए? हाँ बिल्कुल भैया, क्या हेलो नहीं सुन पा रहे? नहीं सर, ब्रेक हो रही है, बार बार ब्रेक हो रही है, एक दो वर्ड्स ही आ रहे हैं। अच्छा, जीरो रे। एक बार रीज्वाइन कर लेंगे सर, हो सकता है ठीक हो जाए। अभी देखो, अभी ठीक हुआ कनेक्शन? हाँ जी अभी ठीक है, अभी आ रही आप है ऑफ आवाज लाइन मेरी? जी आ रही ओके है, जी, अभी ठीक थैंक है। हाँ यू। हाँ सर, ओके। ए पॉजिटिव आए थे 5, बी जस्ट उसके डबल आए हैं 10, ओ पॉजिटिव आए 12, ए बी आए हैं 2 और ओ नेगेटिव आए 1। देखिए, यानी कि 1 और 12 अगर हम सामान्य लें तो ओ वाले तो 13 केस हो गए, है ना? तो मतलब कि देखिए, आप अपने क्लास का सर्वे देखिए, ओ वाले केस ज्यादा हैं। तो इस आधार पे, और ओ में हमने पढ़ा है, ओ में एंटीबॉडी ज्यादा होती है, ए और बी दोनों वाली होती हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं ए बी वाले, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है वाली। क्या वो प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो नेचुरल है भैया, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, तो गॉड गिफ्टेड है, किसी को ए मिला है, बी मिला है, ए बी मिला है, ओ मिला है, ठीक है? नेचुरल इम्यूनिटी है ये हमारी। योगाभ्यास से और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने आप को। ब्लड ग्रुप तो वही रहेगा भैया, चेंज तो कोई इसको कर नहीं सकता। हाँ, आप अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हो ओ वाला, क्योंकि पार्टनर कम बीमार पड़ेगा तो आपके पैसे बचेंगे, है ना? और ए बी वाला पार्टनर ढूंढोगे तो वो जल्दी बीमार पड़ेगा, और आपको बीमारियां जल्दी होंगी, उसको भी होंगी, आपको भी होंगी। और दूसरा जो होता है ना, ए बी और ओ, मैंने देखा है इन दोनों की वाइब्रेशन बहुत कम मैच करती है, ए बी और ओ की। ओ को बोलते हैं ना सर्वदाता, डोनर बोलते हैं। ओ वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी नेचुरली जो पर्सनैलिटी भी होती है ना, देने वाली होती है ज्यादातर, ज्यादातर बोले मैंने, ध्यान रखिए कुछ बदलाव होते हैं। और ए बी की जो ज्यादातर जो टेंडेंसी होती है वो रिसीविंग की होती है, और इसको हम लगाते हैं कि ओ वाले ब्लड सबको दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, लेकिन ए बी वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं, दे नहीं सकते। उसके पीछे का रीजन समझ गए आप? क्योंकि ए बी अगर किसी का खून जाएगा तो उसके उसके साथ में ये चीजें जाएंगी, एंटीजन जाएगा, इसके अंदर तो एंटीबॉडी है ही नहीं, ये कैसे देगा किसी को कुछ भी? और इसकी एंटीबॉडी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे वैसे सामान्य तौर पे, तो क्योंकि इसकी जो बी वाली है और ये बी ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में ब्लड दिया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है ना, कि खून किसको किसका देना चाहिए, अगर उसी का ही मिल जाए तो ओ को ओ का ही मिल जाए, ए बी को ए बी का ही मिल जाए, बी को बी, वो होता है बेस्ट सिचुएशन। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती है तो ओ वाले का भी आप ये तीनों पार्टी ले सकती है, खून वो काम चला लेगा, मिल जाएगा वहां पे। आप थोड़ा सा और गहरा पढ़ाता हूँ आपको, ये हो गया। ये इसकी ना डायग्राम में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर गलत बना रखा है, आप लोग सुधार लेना इसको। इसका जैसे कि ए है ना, इसकी बी वाला होना चाहिए, गोल होना चाहिए, देखो यहाँ पे गलत दे रखा है इसने, इसका ठीक है ये, इसमें देखो गोल नहीं दे रखा, गोल होना चाहिए एक, ये पिक्चर थोड़ा सा गलत है, सुधार लेना। मैंने बता दिया कि क्या होता है, अपने आप देख लिया, इसमें भी कॉनिकल दे दी है, सुधार लेना इस पिक्चर को। अब मेन चीज मैंने समझा दी आपको, अब आप देखिए पॉजिटिव, आप समझे कि पॉजिटिव क्यों कहते हैं, कि उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डॉटेड है उस आरबीसी एंटीजन के ऊपर, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, अगर वो डॉट्स नहीं होते हैं तो बोलेंगे वो नेगेटिव है। अब जो पॉजिटिव वाला जो केस है, मान लेते मैं हूं,
ओ पॉजिटिव है मेरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, मैं किस किस से खून ले सकता हूँ, यानी कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो आप अभी ओ को मत देखिए, खाली पॉजिटिव को पढ़िए, यानी कि ए भी, ए भी है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव वाले किसका खून ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ले सकते हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक आप याद कर लीजिए, आगे आपको आसानी होगी। अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो ओनली नेगेटिव का ही ले सकता है, एरो इस तरह बनी हुई है, इसका मतलब लेना है, ये ले ले रहा है, यानी कि इस सेकंड वाली पार्टी का ये फर्स्ट पार्टी ले रही है, यानी कि वन वाला रिसीवर है और टू वाला डोनर है। तो मतलब कि रिसीविंग का रिसीवर, जैसे कि किसका ओ नेगेटिव था, वो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव का ही खून ले सकता है, पॉजिटिव का नहीं ले सकता, लेकिन दे सकता है। लिखा हुआ ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। अब एरो इस तरह बनी हुई है, देखिए एरो इस तरह बनी हुई है, इसका मतलब अब डोनर है ये, एक वाला डोनर हो गया पॉजिटिव वाला, और ये पॉजिटिव वाला रिसीवर हो गया। तो पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, जैसे कि मैं ओ पॉजिटिव हूं, मैं किसको दे सकता हूं जिनका पॉजिटिव होगा, जैसे कि ए पॉजिटिव को होगा उसको मैं दे सकता हूं, बी पॉजिटिव होगा मैं उसको दे सकता हूं, ए बी पॉजिटिव होगा मैं खून उसको दे सकता हूं अपना, लेकिन और ओ भी तो आएगा, ओ तो सेम ही हो गया, तो आराम से दे सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेगेटिव वालों को नहीं खून दे सकता, अगर मैंने दे दिया, डॉक्टर ने गलती से चढ़ा दिया, तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, इसीलिए डॉक्टर इन चीजों का ध्यान रखता है कि ब्लड ग्रुप क्या है जब ब्लड चढ़ाया जाता है। नेगेटिव वाला, ओ नेगेटिव जो होता है इसको बोलते हैं सर्वदाता, सॉरी पॉजिटिव बना दिया मैंने, नेगेटिव, नेगेटिव अब लिख लीजिए, ओ नेगेटिव हर किसी को दे सकता है, वो पॉजिटिव वालों को भी दे देगा, नेगेटिव वालों को भी दे सकता है। ये ट्रिक है, आप याद कर ले इसको, आप यहाँ पे इस ट्रिक को पढ़िए, अब अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ब्लड टाइप, किसी का ए पॉजिटिव है, अभी मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव वाला ये रहा, किसको देगा, सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। देखिए ए पॉजिटिव है, यहाँ पे बी भी आएगा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बी नहीं आएगा, ए और ए बी ही आएगा, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव और ए बी को दे सकता है, क्योंकि अगर बी को गया तो फिर वो एंटीबॉडी मैच कर जाएंगी और उसको फिर क्लोट कर देंगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही खून दे सकता है, और ले किसका सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ले सकता है वो, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का खून ले सकता है वो, और ओ पॉजिटिव और नेगेटिव इसको तो सारे ले सकते हैं, ओ नेगेटिव में तो हर एक में आएगा, ओ नेगेटिव तो हर केस में होगा यहाँ पे, और ए बी जो है वो हर किसी से ले सकता है, एवरीवन लिखा हुआ ना कि सारे ब्लड ग्रुप से लेगा, लेकिन दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक को पढ़ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ये ट्रिक मैंने यहां से बता दी, ये ट्रिक आपको समझ आ गई तो ये सारी चीज आपको समझ आ जाएंगी, नहीं तो रट्टा मारोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इस ट्रिक से याद करोगे आपको जल्दी चीजें कंसेप्ट समझ आ जाएंगी और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। अब एक ट्रिक और बताता हूँ आपको मैं, इससे पहले अब ये बताता हूँ, उससे पहले आप ये जानिए कि किसको शादी नहीं करनी चाहिए किस ब्लड ग्रुप के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कई लोगों का पेट में बच्चा रुकता ही नहीं है, बहुत सारे केस होते हैं ऐसे, जैसे कि लक्ष्मी मैम खुद बता रही थी कि उनकी मम्मी के साथ भी ऐसी शिकायत थी कि बच्चा पेट में रुकता ही नहीं था, 2 महीने में 3 महीने में पेट में ही डेथ हो जाती थी उसकी, बाय चांस वो बाहर आ गया तो भी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब तो मेडिकल ने इम्प्रूवमेंट कर लिया है, बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं
जो इस तरह की डेथ नहीं होने देती, लेकिन अगर वो मेडिसिन ना दे तो तुरंत डेथ हो जाती है। वो कौन से केस हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक स्लाइड बनाता हूँ आपके लिए, को देखिए, ये एम से मैं शो कर रहा हूं मेल को, और दूसरा मैं यहाँ पे फीमेल को ले लेता हूँ, यानी कि मेल की और फीमेल की दोनों की शादी हुई है, ठीक है, और इनका एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको मैंने, बच्चे को मैंने सी से यहाँ पे शो कर दिया। अब मेल पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सारे केस आएंगे, यहाँ पे ए पॉजिटिव वाला भी आएगा, बी पॉजिटिव वाला भी आएगा, और ए बी वाला भी आएगा, और ओ वाला भी आएगा, ठीक है। यानी कि जो मेल पॉजिटिव हैं, अगर उनकी शादी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की के साथ हो गई, नेगेटिव यानी कि ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो या ए बी नेगेटिव हो या फिर ओ नेगेटिव हो, उस स्थिति में क्या होगा, अगर इन दोनों के संबंध से जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप अगर ओ बनेगा, पहला बच्चा तो पैदा हो जाएगा, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। पहला बच्चा अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बन गया दोनों के मेल से, तो पहला बच्चा थोड़ा वीक भी पैदा होगा, संभावना कम है, लेकिन पहला बच्चा तो जीवित रहता है। समस्या होती है दूसरे बच्चे में। अब अगर दूसरी बार इंटरकोज हुआ और दूसरी बार भी पेट के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा बना, तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, पेट में ही मर जाएगा वो, एक से दो महीने में, तीन महीने में, छह महीने में, आठ महीने में, या फिर पैदा बच्चा बाहर आ गया, तब बाहर आने के बाद तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? जो एंटीबॉडीज की वजह से, फीमेल के अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है कि उसके अंदर पहली बार तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सेकेंड टाइम भी पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो जो फीमेल की जो एंटीबॉडी थी वो ही अपने बच्चे को मार देगी पेट में। इसीलिए इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना है शादी के दौरान। जो लोग मेल हैं, यानी कि जैसे मैं खुद हूं, मैं भी ध्यान रखूंगा मेरा ओ पॉजिटिव है, तो गलती से भी जो मेरी शादी होनी है, गलती से भी नेगेटिव वाला केस ना हो। अगर हो गया तो ये शिकायत आएगी, 100% आएगी। और आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखना, जो लड़कियां नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वालों से शादी मत करना, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में, बेबी के टाइम में समस्याएं होंगी। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं यहाँ पे इरिथ्रो, रुको मैं लिख देता हूँ, बड़ा है ये, आप इसको सर्च भी कर लेना, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, टी एच आर ओ इरिथ्रो ब्लास्टोलिस, इस समस्या को बोलते हैं ब्लास्टोसिस, बी एल ए एस टी ओ एस आई एस। आप इसको नेट पे डालेंगे ना, ये चीज और खुल के आपके सामने आ जाएंगी, और बाकी केसेस में चलेगा। बस इस केस को ध्यान रखना है शादी के दौरान, कि ऐसी कुंडलिनी मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन आप ब्लड ग्रुप जरूर मिलाना अपनी पार्टनर का, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ आया होगा किसी को? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब हम पढ़ते हैं ये वाला, पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, यानी कि मेल और फीमेल, इनका जो ब्लड ग्रुप है, अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि मान लेते हैं ए बी, किसी का भी मान ले कि ए पापा है और बी मम्मी है, और अगर इन दोनों की शादी होगी ए मेल की और बी फीमेल की, तो इनका जो बच्चा होगा किसी भी ग्रुप का पैदा हो सकता है, वो ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ बी हो सकता है। अगर मेल फीमेल दोनों ए बी हस्बैंड वाइफ, अगर
हस्बैंड वाइफ में कोई एक ए बी का है और दूसरा कोई अदर केस है, यानी कि अदर यानी कि ए है बी है या ओ है या ए बी है, तो उस टाइम क्या होगा, ओ के अलावा बाकी सभी एज ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है एक्सेप्ट ओ। इसलिए मैंने बोला कि देखो जहां भी ए बी आता है ना वहां पे ओ नहीं रहता, इसलिए मैंने बोला कि कुछ ना कुछ रिलेशन है ए बी और ओ के बीच में, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ओ के केस में कभी ए बी नहीं बनता, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है ए और ए बी, ये रिसर्च का विषय बनता है और शायद आने वाले टाइम में रिसर्च बनेगी यहाँ पे। ओ और ए बी ब्लड ग्रुप का क्या रिलेशन है कि कभी भी ये दोनों आपस में ओ और ए बी नहीं बनते, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो मैं सुझाव आपको देता हूँ, आप ओ और ए बी आपस में शादी मत करना। भैया आप सही बोल रहे हो, ओ अगर किसी का ओ ओ एज ब्लड ग्रुप है और किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है वो आपस में शादी मत करना, आपके जो है ना विचार बिल्कुल नहीं मैच करेंगे एक दूसरे के साथ में, झगड़े होंगे और फिर क्या होगा, तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखना ओ और ए बी वाले। और दोनों का सेम सेम है, हस्बैंड वाइफ का, जैसे कि हस्बैंड का भी ए है और वाइफ का भी ए है, तो उस समय ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ओ पैदा होगा या फिर जो है वो ए ही पैदा होगा। अगर यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं बी है हस्बैंड का और वाइफ का भी बी है, तो जो बेबी पैदा होगा या तो ओ ग्रुप का पैदा होगा या फिर बी का पैदा होगा। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद कर लें, आपको समझ आ जाएंगी कि कौन से एज ग्रुप से कौन सा बच्चा पैदा होता है। ये मैंने आपकी लाइफ के लिए उठाया ये टॉपिक, शायद इतना गहराई से टॉपिक क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी उसी एज में खड़े हुए हैं, हमें कई बार समझ नहीं आता कि क्या करें, हम खाली क्या करते हैं ना परंपरा परंपरा आधारित हम कुंडलिनी पे रह जाते हैं, कुंडलिनी पंडित ने बता दिया तो मान लेते हैं और पंडित ने नहीं बताया तो नहीं मानते। तो पंडित की मानो ना मानो, लेकिन एज ये ब्लड ग्रुप की जरूर मानो, उसका साइंटिफिकली रीजन मैंने आपको बता दिया है, आप सभी ध्यान रखना इसका। आप अगर किसी को डाउट हो तो आप बता दीजिए। अच्छा लगा आज का टॉपिक, मस्त एकदम भैया, मजा आया। अच्छा मैं क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ, टाइम काफी हो गया तो हम 5-10 मिनट क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आज हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मुझे भी खुशी मिल रही है कि आज हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। थैंक यू, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बाद में आप सभी लोगों के विचार सुनूंगा लास्ट में, ठीक है। तो मुझे मैसेज करके बताएंगे, आज हमने पढ़ा था पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके ऑर्गन सीक्वेंस में टाइप करें सभी, सीरीज में, स्क्रोटम से टाइप करना पूरी सीरीज में लास्ट यूरेथ्रा तक, देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करेगा, वो माइक खोल के बताएगा फिर। कमोन कमोन टाइप करें, अभी तक नहीं आया किसी का भी। ग्लैंड्स को भी लिखना, तीनों ग्लैंड सीरीज में भी आने चाहिए। मीनाक्षी जी ने टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, माइक खोल के बताइए। यस सर, जो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें सबसे पहले टेस्टिस होता है जो स्क्रोटम के अंदर होता है, उसके बाद वास डिफेंस होता है, देन सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, फिर एजाकुलेटरी डक्ट्स होती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और फिर उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और उसके बाद में वो यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाता है। बहुत बढ़िया, आपने टाइपिंग में गलती लिख दिया, बेड लिख दिया, yes, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाती है मिस्टेक, लेकिन अच्छा लिखा आपने, बहुत बढ़िया। वो होती है वास डिफरेंस होती है वास। मोना जी ने भी लिख दिया, मोना जी आप माइक खोल के बताइए।
भैया मुझे ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग के बर्ड मैंने याद कर लिए, मुझे पूरे नाम याद नहीं हुए। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब जैसे पहले इस फिर से कम और फिर यूरेथ्रा कुछ कुछ नाम याद है, पूरे नाम याद नहीं है इसलिए मैंने। तो फीमेल के बता दो, चलो फीमेल के तो याद होंगे ना, कल हमने पढ़ा था, बताइए ओवरी से। हाँ आपने जो दो होते हैं मतलब एक इनर और एक आउटर, तो आपने उसमें एक बताया था ओवरी और दूसरे वाले में पांच होते हैं। सीक्वेंस बताइए ओवरी के बाद में क्या आता है वहां पे। यार ऐसे नहीं याद है, इसका भी शॉर्ट में मुझे नाम याद है। मोना जी ये पेपर में आएगा, सीक्वेंस बहुत आती है हमारे पेपर में, याद कर लेना इसको। तो पक्का सुना दूंगी दोनों के। ठीक है कौन बताएगा मुझे फीमेल का सीक्वेंस में? समय बताऊं? रुको मीनाक्षी जी, मैं चाह रहा हूँ कोई और भी, और लोग भी पार्टिसिपेट करें, बाकी लोग बताइए कोई और। एनीवन, लक्ष्मी मैम को छोड़ के, लक्ष्मी मैम मीनाक्षी जी को छोड़ के बाकी लोग आओ सामने। अरे इतना बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, किसी को भी याद नहीं हुआ। बोलो राहुल जी बताओ जी, प्रेरणा जी बताओ, हाँ रश्मि जी बोलो। रश्मि है भैया, रश्मि जी बोलिए। वजाइना, सर्विक्स आता है, फिर हमारा सबसे पहले वजाइना, फिर हमारा सर्विक्स आता है, फिर यूरेथ्रा, ओवरी और लास्ट में फेलोपियन ट्यूब्स। वो यूरेथ्रा नहीं है, यूट्रस है वो। ठीक है यूट्रस, ठीक बोला आपने, कोई बात नहीं। ठीक है यूरेथ्रा अलग होती है, वो यूट्रस होता है, यूट्रस। ठीक है, जहां पे बच्चा ग्रो करता है पेट में 9 महीने, वो यूट्रस होता है। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं, अब मुझे बताएंगे। नहीं सर, लास्ट वाला गलत हो गया था, करेक्शन कर दीजिए ना तो बच्चों को याद हो जाएगा, उन्होंने लास्ट में फेलोपियन ट्यूब बोला है। अच्छा लास्ट में ओवरी भी होता है, मैंने सॉरी ध्यान नहीं दिया, फेलोपियन ट्यूब के बाद में ओवरी होती है दो। ठीक है, जहां से एग और ओवम निकलता है, अगर इसी का उल्टा पूछा जाएगा तो पहले ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और नीचे का वेंजाइना, फिर बाद में वल्वा लास्ट में आता है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज पेपर में आती ही आती है सीरीज। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे प्रिया शर्मा जी, मुझे बताएंगे प्रिया जी, आप मुझे बताएंगे कि टेस्टिस का जो स्पर्म जो बनते हैं उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 35। वेरी गुड, 35 डिग्री गर्म टेम्परेचर हो जाता है ना, 35 राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अब हम मुझे नीरज जी बताएंगे, नीरज जी आप मुझे बताएंगे कि इसका टेम्परेचर, सीजन में तो टेम्परेचर बदलता रहता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? जो नीचे स्किन होती है ना, टेस्टिस के नीचे स्किन होती है, वो मेंटेन करती है। अब स्किन का क्या नाम बताया आपने? हाँ स्कोट्रम, स्कोट्रम। और कैसे वर्क करती है वो गर्मी में सर्दी में? वो गर्मी में रिलैक्स हो जाती है, और जो सर्दी में ना सिकुड़ जाती है, तो ताकि उससे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मुझे बताएंगे प्रेरणा जी, मुझे बताएंगे एसेसरी ग्लैंड्स के नाम बताइए। भैया एसेसरी ग्लैंड जो उसमें डाइजेस्टिव में आए थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये तो रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं। मैं इसी की पूछ रहा हूँ, इसी के बताइए एसेसरी ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अब दोनों वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो लिवर, उनको मिक्स मत करो। तो भैया मेरे को तो ये एसेसरी है, मेरे को तो याद था। अच्छा एसेसरी और एक्सोक्राइन, प्रोस्ट्रेट और बल्ब बॉटल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, मुझे बोलना नहीं आता भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हो जाएगा यार धीरे धीरे। ठीक है, अब मुझे अगला क्वेश्चन मेरा है, मुझे बताएंगे, अब मैं ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे बताएंगे कुंदन जी आप मुझे बताएंगे एंटीबॉडी कहाँ होती है, आरबीसी में होती है या ब्लड प्लाज्मा में होती है? एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में होगा ना। वेरी गुड, और उनका हम किस नाम से जानते हैं उनको, हम क्या हम शो करते हैं लिखने के लिए, उनका आकार कैसा होता है? एंटीबॉडी को स्मॉल में रहेगा वो, और
स्मॉल में अल्फाबेटिकली स्मॉल रहता है वाई शेप वाई शेप में एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा भावना चौधरी जी से, आप मुझे बताएंगे भावना जी एंटीजन कहाँ पे होता है? एंटीजन आरबीसी में बताया था आपने। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कैसा होगा, बी में कैसा होगा, और ए बी में कैसा होगा, और ओ में कैसा होगा, चारों का बताइए। जो ए में होगा ना एंटीजन, वो कॉन्विकल शेप में होगा, जैसे ट्राइंगल शेप होता है, और बी में होगा राउंड शेप में, और ए बी है तो वो दोनों ए बी के दोनों ग्रुप में होंगे, कॉन्विकल एंड राउंड ऑल्सो, और जो ओ होता है उसमें नहीं होते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। अब मुझे बताएंगे मानसी त्यागी जी, मानसी त्यागी जी कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती? सर ओ ब्लड ग्रुप में। दोबारा बोलिए। सर ओ, ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैंने क्वेश्चन पूछा है कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती? सर ए बी, ए बी। अच्छा, आ गया याद आपको। अब बताइए मानसी किस में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी होती है? किस में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी? सर ओ में होती है। तो वेरी गुड, यानी कि ओ वालों की इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, अपने पार्टनर को ओ वाला ढूंढना तो आपको बीमारियां कम होंगी, पार्टनर ज्यादा हेल्दी रहेगा। सर मेरा हो चुकी है, आपकी हो चुकी है? चलो नहीं सर, मैं बोल रही हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। अच्छा, पार्टनर का क्या है? सर मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी हुई नहीं, सॉरी मुझे पता नहीं था, सॉरी। कोई नहीं सर, तो आप ध्यान रखना आगे इस चीज का। जी सर। अब मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन, मुझे राजदीप पाल जी मुझे बताएंगे, राजदीप जी सर, आप मुझे बताएंगे कि आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर सर होता है वो मंकी के, और जब ये रिसर्च चल रहा था ब्लड ग्रुप का, तब मंकी का टेस्ट किया था, उनमें एक फैक्टर रहता है, वो अगर ब्लड ग्रुप में हमारा आरबीसी में है तो पॉजिटिव होता है, अगर नहीं होता है तो नेगेटिव होता है। वो अगर माइक्रोस्कोप से देखे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है लगभग पॉजिटिव वाले का, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं वो तो पता नहीं भैया, मैं बताऊं? बताइए मोना जी। जैसे आपने बताया था सर्कल बनाएंगे, अगर ए वाला है तो वो ए के शेप में, मतलब ऐसे त्रिकोणीय टाइप का होगा, और उसके साथ ना बिंदी बिंदी से ऐसी गोल गोल सी होंगी साइड में, तो वो मतलब पॉजिटिव होगा। और अगर सिर्फ जैसे त्रिकोणी में होगा लेकिन अगर बिंदी बिंदी नहीं होगी, मतलब आपने जो बताया था पॉइंट पॉइंट, तो वो नेगेटिव होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया, वो नेगेटिव वाला होगा। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन, खून कौन देगा कौन लेगा, पहले कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ। रानी जैन जी आप मुझे बताएंगे, आपसे मैं आपके ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप किस किस से खून ले सकती हो, बताओ। सर मैं ए बी पॉजिटिव वाले से ले सकती हूँ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी पॉजिटिव है ना? ए बी पॉजिटिव। रानी जी आपकी खासियत बताऊं? हाँ सर। आपको जरूरत पड़ेगी ना, कोई भी किसी का भी खून आप ले सकते हो। अच्छा सर। ए बी पॉजिटिव की ये खासियत है, वो हर किसी का खून ले सकता है। और देने के लिए ए बी नेगेटिव वाला सिर्फ ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इनका खून ले सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव वाला हर किसी का खून ले सकता है। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है रानी जी, आपको खून की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि खून भरपूर मिलेगा आपको मार्केट में। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी ओ नेगेटिव वालों को, उनको खून नहीं मिलता जल्दी से, जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अब मुझे बताएंगे सचिन जी, आस्था साहू जी का हमारे ग्रुप में, आस्था जी हैं क्या क्लास में? है नहीं। सचिन जी, सचिन जी आप मुझे बताएंगे ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला लो पर्सन है वो किस किस को खून दे सकता है?
अभी मैंने बताया था भैया। जय कुशन पार्डिया जी आप बताइए, ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में? इतने सभी को दे सकता है, सबको सब दे देंगे। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएंगी रश्मि जी जो मैंने केस बताया था, जो स्पेशली ध्यान रखने वाला केस है, जिससे जो पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, वो केस कौन से वाला है आप बताइए, और सबको क्या आप सुझाव दोगे? उसमें ये होता है जो भैया ओ पॉजिटिव वाले होते हैं वो कभी भी ए नेगेटिव या बी नेगेटिव वाले से उनका नहीं करनी होती शादी। उसमें क्या होता है, फर्स्ट बेबी तो हो जाता है, बट जब सेकंड वाला होता है तो उसमें वो जो बेबी होता है वो मर जाता है या फिर अनमेच्योर्ड पैदा होता है, क्योंकि उसमें एंटीजेंस नहीं बनते हैं, इसलिए नहीं, उसमें एंटीबॉडी को ज्यादा ही बन जाती है और वही उसको किल कर देती है। और अब मैं रश्मि जी मुझे पूरा खोल के आप ये बताइए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेल का या फीमेल का है, यहीं से, क्योंकि उल्टा केस में ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट आंसर दीजिए आप दोबारा से। मेल वालों का ओ पॉजिटिव, और फीमेल में होता है कि ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, तब नहीं। आप आंसर आप ठीक दे रहे हो, लेकिन पॉजिटिव में चारों आएंगे, मेल का जिसका ए पॉजिटिव सारे है, आते हैं भैया, बी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव है, इन मेल्स को ध्यान रखना है। और जो फीमेल हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ये फीमेल, इनको ध्यान रखना है कि ये आपस में शादी ना करें, नहीं तो ये समस्या आएगी। ठीक है, क्लियर जी, जी। और अगर इसका उल्टा हुआ, हाँ। अगर मेल नेगेटिव है और फीमेल पॉजिटिव है तो ये समस्या नहीं आएगी। जी बोलिए प्रेरणा जी। भैया हम तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। हाँ आप तो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से अपना, अच्छे से अपने विचारों वाला अपना पार्टनर ढूंढो और हमें भी मिठाई खिलाओ। अरे बिल्कुल भैया, उससे पहले पूछेंगे कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है तभी शादी करेंगे आपसे। हाँ भैया, पढ़ लिया तो पूछोगे, नुकसान आपका होएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ओ वाले को ढूंढोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ओ वालों के विचार थोड़ा ओ के मुकाबले ज्यादा बेहतर होते हैं। रियलिटी में हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस इतना कुछ जानने के बाद, कम से कम। ये बताओ, जब आप कुंडली नहीं पूछ लेते हो, कुंडली पंडित को दिखाते हो, तो क्या ब्लड ग्रुप नहीं पूछ सकते लोग? तो पूरा का पूरा आजकल तो क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा टेस्ट करवाते हैं, लड़की का कोई बीमारी तो नहीं है, टेस्ट में पूरा ओवरऑल बीमारी होगी तो हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बीमार लड़की आ गई तो सारा खर्चा तो बीमार लड़की पे चला जाएगा, उसको कैंसर है, वो टेस्ट से पहले पता चल जाएगा उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उससे शादी नहीं करते लोग। तो अपना अब मॉडर्न हो गए हो, तो अगर आपको थोड़ा आगे फ्यूचर को देख के चलना है तो इन चीजों में एजिटेट नहीं करना, डायरेक्ट पूछो अपना। भैया जब कुंडली मांगने में शर्म नहीं कर सकते हैं तो ब्लड ग्रुप तो छोटी सी चीज होती है, सबको पता होनी चाहिए, तो वो पूछने में क्या दिक्कत है, बता नहीं तो है ओ पॉजिटिव नेगेटिव फलाना ढिकाना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मीणा जी तो बोलते हैं मैं तो 10 लाख रुपए लूंगा। लोग इन चीजों में हेजिटेट नहीं करते हैं, आप ब्लड ग्रुप में हेजिटेट कर रहे हैं। ऐसा क्या खास करते हैं जो 10 लाख रुपए ले लेंगे? वो स्पेशल है हमारे क्लास का बंदा, स्पेशल लड़का है। चलो छोड़ो उसको, नीरज मालूम है भैया मुझे। ठीक है, मेरे को बोला राहुल भाई मैं तेरी शादी कराऊंगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं भी अपने करा ले, बोला मैं तो पैसे लूंगा 10 लाख रुपए एक गाड़ी।